गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज फिर मैं आ गई हूँ आपके पास और हो गई है मेरे दिन की शुरुआत। मैं कर आई हूँ वॉक, साइकिलिंग एंड मैं नहा धो के तैयार हूँ। इस टाइम सुबह के 8:05 हुए हैं, दिस इज़ द टाइमिंग एंड आई एम रेडी। आज मैंने पहना है कुर्ता एंड स्लैक्स, ये है मेरी आज की लुक। और आज हम क्या क्या करने वाले हैं नहीं पता होता ना हमें, बट हाँ ये ज़रूर पता है मुझे कि आज जो अपना शीरो है ना उसको मैंने टिक देखी है कल, तो आज एच आई यू लेकर चलेंगे, उसे दिखा कर आएंगे कि भाई ये टिक क्यों आ गई है। तो मतलब एच आई यू तो ज़रूर चलेंगे, आपको भी लेकर चलूँगी, बी रेडी। तो मुझे बताना ये बड़ी बिंदी कैसी लग रही है, देखो शिव क्या कर रहा है। अब इसको जाना है, इसको पता है, इसको जाना है अंदर और देखो क्या कर रहा है। पहुंच गए हैं हॉस्पिटल में, बस पहुंच ही गए हैं। और ये देखिए साहब खूब मजे कर रहा है, खूब इसकी चिलिंग हो रही है आज तो। उसको गाड़ी में बहुत मज़ा आता है मेरे साथ तो, क्योंकि मैं इसे तंग नहीं करती ना बिल्कुल भी। शीरो क्या देख रहा है शीरे? तो भाई इसे पता चल गया कि हम उतरने वाले हैं, तो ये पीछे बैठ गया जाकर। शीरो चले, चलो चले, चलो चले, चले चलो फिर चलो। ओके, ने मुझे तंग किया हुआ है, मैंने इसे कैसे पकड़ा हुआ है, कैसे पर्ची कटवाई है ना मैं जानती हूँ। देखो खुश हो रहा है, ये क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रही। पर अभी आ गए हैं हम घर, और घर आते ही देखा तो एसी में गैस भरने के लिए बंदे आए हुए हैं, अब ये काम चल रहा है। दिल थोड़ा सा अलग तरह से बनवाना है, जैसे डिजाइनर से टाइप के होते हैं ना, तो उसके लिए फिर कल वो एक आए थे जिन्होंने मंदिर को अपने को कम्प्लीट करना है, तो इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स बता कर गए थे अपने कारपेंटर्स को, तो आज अंकल जी उसी काम में ही लगे हुए हैं। ये तो हर एक मंदिर तो बस समझो खिंडा ही हुआ है, पर यह कि 10 दिनों के बाद एकदम रेडी हो जाएगा हमारा मंदिर। और इधर से मेरे यहाँ एसी का काम चल रहा है, क्योंकि उसमें गैस डलवानी ज़रूरी है एक रूम में, तो ये कर रहे हैं ये। इसी में गैस डाल रहे हैं, पर ज़्यादातर ये काम ही लगा रहता है मेरे घर में। अगर मेरी फ्रेंड्स मुझे ये कहे ना कि तू कहीं आती नहीं है, हमारे घर नहीं आती है, हमें नहीं बुलाती, तो यही चक्कर है, मैं बुला भी नहीं सकती क्योंकि एक गंद गंद सा मचा रहता है, और हर वक्त तो मुझे इनके साथ मतलब इनके सिर पे एक बंदे को हमारे घर से रहना पड़ता है ना, इस वजह से मैं भी कहीं नहीं जा सकती, बस सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो ये हमारा शीरो आज सुस्त होया हुआ है, इसको आज हम लेके गए थे ना शीरो। आज इन बॉक्सिंग करेंगे हम, जो कल सामान लेकर आए थे हम बाजार से, उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या है। तो अब हम ये दूसरा खोल रहे हैं पैकेज, टाइप में टोल रही है, सुमन देख रही है क्या है इसमें से, क्या निकलेगा, कैंची सही कर ले। कुछ अच्छी सी चीज़ भी निकलेगी, पहली चीज में तो ये निकला है बहुत प्यारा लगा, और दूसरे में ये भी देखो, वाव सो प्रीटी, सो प्रीटी। कैंची से कर लो बेटा, कैंची से कर लो। हाँ ये बहुत सुंदर, भाई वाह बहुत। अरे आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। तो ये हो गए, और ये भी खोल लो। ये बुद्धास जो थे वो है, और वाओ दूसरे अनबॉक्सिंग में ये निकला है, फर्स्ट में ये निकला है, और वाओ बुद्धास भी कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटू छोटू। सुमन हंसी जा रही है, इसको बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं छोटू छोटू बुद्धास, बहुत क्यूट। तो फाइनली इसकी हो गई अनबॉक्सिंग, और अब मैं आपको ये मैंने कहाँ प्लेस किया ये मैं तब दिखाऊंगी, एक दो वीडियोस के बाद मैं आपको अपना रूम दिखा दूंगी, और उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये कहाँ रखे थे सारे शोपीसेस, और फिर आप बताना कि आपको कैसे लगे। मेरा जो फेवरेट डिनर है वो दिखाने जा रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, हो सकता है वो आपको अच्छा लगे और आप भी अपने घर में यूज करें इसे। ये डिनर है एक वेजिटेबल दलिया, तो उसको बता आपको रेसिपी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ।
थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद आप लोग करते भी हो ऐसा, बट एक बार मेरी भी देख लीजिए कि मैं कैसे। इसके अंदर हमने एक स्पून घी का डाल दिया है। अब हम अपने वेजिटेबल्स काट देते हैं, और साथ में आपको मैंने जैसे दिखाया कि हमने दलिया भी भून लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्जियां काट लेते हैं। तो हमने ये मैंने सारी वेजिटेबल्स रख ली हैं, और ये अब ये सब चीजें उसके अंदर जो हम वेजिटेबल दलिया बनाने वाले हैं ना उसके अंदर डलेंगी। तो ये जो दलिया हमारा हमने भून लिया है ना, इसके अंदर अब थोड़ा पानी डालकर इसको विसल करवाने वाले हैं। ये पत्ता गोभी और प्याज तैयार है, आलू तैयार है और गोभी भी तैयार है। तो इनका जो पानी है वो मैं निकाल दूंगी। अब पानी निकाल दिया है क्योंकि अब पानी की तो जरूरत नहीं है, इसमें हम तड़का ही लगा देंगे। ये स्वीट कॉर्न है हमारे, और ये हमारा मटर। तो एक आपको एक बात और बताती हूँ कि क्या होता है, एक ये भी एक छोटा सा राज है कि कई बार क्या होता है ना, राज तो क्या है वैसे, एक नॉर्मल सी बात है कि जब सब्जियां जैसे अभी इसके अंदर सब कुछ येलो येलो होगा, तो ये एक ग्रीन जो मटर है ना, इनको ये पूरी तरह से ग्रीन ही रहे ना, तो इसके लिए एक छोटा सा हमें काम करना होगा कि इसको हम बॉयल करेंगे अलग से, ठीक है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ी सी ही चीनी डालने वाली हूँ मैं इसके अंदर। चीनी का मतलब इतनी पिंच ये डाल दी हमने, राइट। तो बस ये अपना अलग से तैयार हो रहा है। ये हमारा जीरा भुन चुका है। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हमारे आलू। आलू गोभी है ना, आलू मटर है या आलू शिमला है, व्हाटएवर आलू की कोई भी सब्जी होती है, तो हमें क्या करती हूँ कि सबसे पहले जो आलू है ना उसको मैं फ्राई करती हूँ। जो भी हमने किया तेल कुछ भी लिया ना, उसमें पहले हम आलू फ्राई करती हूँ। ये भी मम्मा के थोड़ी सी आइडियाज़ है जो कि बहुत काम करते हैं और जिससे सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो पहले आलू फ्राई होता है, उसके बाद इसके अंदर बाकी सब कुछ। तो ये आलू अभी चल रहा है, फ्राई हो रहा है, शिमला मिर्च डाल दिए तो, और इसी के साथ ही अपन ये भी डाल रहे हैं स्वीट कॉर्न, मैंने वॉश कर लिए थे तो ये भी डाल दिया इसी के अंदर ही। कितनी कलरफुल और कितनी अच्छी लग रही है ये वेजिटेबल्स वाली, ये है ना। तो लास्ट में ये जो है टमाटर भी डाल दिए। और जब अपन ये जो मटर बॉईल किए थे ना, तो ये अब डालने का टाइम आ गया, ये भी इसमें डाल दिए। और अब देखिए कितना कलर आ गया इसके अंदर, कलरफुल हो गए हैं। ये देखिए कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर।
बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिस जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है सब चीजें, है ना। अब इसके साथ थोड़ी सी अपन हल्दी डाल रहे हैं, थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, इतनी लाल मिर्च भी डाल रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये दो टेस्ट मेकर डालेंगे मैगी के, तो थोड़ी सी काली मिर्च का एक पिंच ये भी डालेंगे। अच्छा, कलर के लिए मैं ये देगी मिर्च भी डाल रही हूँ थोड़ी सी। तो अब ये हमारा सब कुछ तैयार हो गया है, बहुत अच्छा मिक्सचर बन गया है। और अब इसके अंदर हम ये दलिया डाल देंगे, वेजिटेबल जो अपन ने दलिया बॉईल किया था ना वो अभी इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे ताकि हर सब्जी पूरे दलिया में बिल्कुल अच्छे से रम जाए। तो ये मिक्स हो रही है और बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे जैसे मैंने पहले काट के रखा हुआ था, तो और भी अच्छा कलर आ गया अब इसमें। देखो मटर का कलर अलग आ रहा है ग्रीन, हमारा दलिया देखो अभी देखने में बहुत बहुत ही यम्मी, और देखिए कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर, और इट्स रेडी टू ईट। तो आज आपने मेरे साथ डिनर बनाया है और डिनर में हमने बनाया है वेजिटेबल दलिया, और जो कि मुझे बहुत ही यम्मी लग रहा है देखने में। गैस बंद कर देते हैं, थोड़ी देर इसे ढक भी देते हैं हम, जब जब जिसको खाना होगा वो खा लेगा। बट ये तरह का डिनर तैयार है, और होपफुली अगर आप कभी मेरे घर आएंगे और आपका मन करेगा डिनर पे दलिया खाने का, तो डेफिनेटली मैं आपको ये दलिया खिलाने वाली हूँ। आज के लिए गुड नाइट, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें जैसे आप अभी भी कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी कि आप सब मुझे बहुत 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 सपोर्ट कर रहे हैं। Thank you so much. Good night.